हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार और कुमाऊनी लोगों को मैं दिल से पहला। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। आज यहाँ पर आए हैं वेट चेक करने वाले। आंगनबाड़ी वाले घर पे ही आते हैं यहाँ पर वेट वगैरह चेक कराने, और किसी बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन्हें दवाई वगैरह भी देते हैं। तो ये है हमारी जो मतलब हमारे गांव की आशा है, ये है वो। तो अभी अभी हो रहा है मेरी बेटू का वेट चेक, और बेटू वेटिंग मशीन पर खड़ी नहीं हो रही थी, बड़े मुश्किल से अभी खड़ी हो चुकी है और बेटू का अब वेट चेक हो रहा है। तो बेटू है अभी मेरी 9.5 किलो की है, और इससे बोला है कि ये थोड़ी सी अपनी मतलब जितनी इसकी एज है उससे थोड़ा सा कम है, इसको खाना पीना अच्छे से खिलाओ बोल देते। तो यार खाना पीने तो इसको अच्छे से खिलाते हैं, पर पता नहीं फिर भी ये कमी क्यों निकलती है, ऐसा ही होता है हर टाइम। और अभी एक एक करके सब लोग चेक करवा रहे हैं अपना वेट यहाँ पर, तो सारे लोग चेक करवा रहे हैं यहाँ पर वेट। बस फोन देखते ही हाय बोल देगी है। जय कौन बोलेगा? अब क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, इसको क्यों खोल रही हो? मानवी क्या कर रही हो? बहुत शैतान हो गई है, बहुत ही ज्यादा, दिन भर बस शैतानी करती रहती है। ये देखो इसको, ये देख लो इसको। मानवी हाय, से हाय गुच्छा। कुछ क्यों आ रहा है मेरे पे? चलो बाय, मैं जा रही हूँ, बाय। और अभी हमारे घर के अंदर आ गई है एक चिड़िया, ये देखिए। बेटू चिड़िया को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है, ये उसको पकड़ना चाहती है, पर मैं बोल रही हूँ एक सेकंड आप चुप रहोगे तभी वो यहाँ पर रुकेगी। जैसे ही वो बोली वैसे ही वो भाग गई, देखिए। और बाहर हो रही है बारिश, अभी तो कम हो गई है, तो अभी पहले बहुत ही तगड़ी बारिश हुई थी आज यहाँ पर, अभी थोड़ी थोड़ी बस बूंदे बूंदे बूंद बूंद वाली बारिश हो रही है। ये देखिए पूरा गीला गीला सब कुछ गीला हो रहा है, और यहाँ पर गांव की सुंदरता देखिए कितना हरा भरा रहता है। यहाँ पर कनिका सुना रही है एक देशभक्ति गाना, ये गा रही है यहाँ पर, आज आजाद है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। लेकिन इसके वर्ड थोड़ा अलग है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और फ्रेंड्स नींबू देखिए, छोटा सा पेड़ है लेकिन इसमें नींबू इतने भर भर के आ रखे हैं, पूरा पेड़ नींबू से लद रखा है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो गांव में ना ऐसे सान के खाते हैं, मतलब नींबू बना के खाना बोलते हैं उसको, दही वगैरह में सब कुछ उसमें मिला के मतलब उस तब बना के खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है हमारे अमरूद का पेड़, देखिए कितने भर भर के अमरूद आ रखे हैं इस पर। हम तो खा भी नहीं पाएंगे है ना, क्योंकि हम तो चले जाएंगे दिल्ली को। तो बहुत ही देखो इतना छोटा सा पेड़ है और कितने सारे अमरूद यहाँ पर इसमें आ रखे हैं, ये देखिए। गांव का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, मतलब पता भी नहीं लगा कि गर्मी का मौसम है या क्या मौसम है, क्योंकि रोज एक दो दिन छोड़ के ऐसे बारिश यहाँ पर हो ही जा रही है। पहले तो बारिश ने हालत ख़राब कर दी थी। और कुछ भी कहो आप, कहीं भी रह लो, पर जो गांव में रहने का मज़ा है वो कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है सच में। गांव में मतलब एक अलग ही लाइफ होती है। और अभी पापा मार्केट गए थे तो वही हमारे लिए लेके आ गए हैं चाउमीन मोमोज। यार वैसे मतलब इतना मैदा नहीं खाना चाहिए, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं हम। और बेटू देखिए कितनी खुश हो रही है चाउमीन मोमोज के नाम पे, ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो ये देखो
मतलब ये ना इतराने लग गई है अब कि चाउमीन मोमोज आ गए। तो फ्रेंड्स अब हम फटाफट से अपनी पेट पूजा यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आप भी आ जाइए, हम खा लेते हैं चाउमीन और मोमोज। तो फ्रेंड ये जो क्लिप है वो कल की क्लिप है। तो जब हम विमांडेश्वर से आए थे वहाँ पर स्नान वगैरह करके, तो हमें लग गई थी भूख और हम मार्केट में आके गोलगप्पे खाने लग गए थे। ये देखिए हमने यहाँ पर गोलगप्पे, अभी मैं यहाँ पर खा रही हूँ गोलगप्पे। तो आप भी आ जाइए। और अब हमारे भाभी लोग खाने लग गए हैं, हमने अपनी पेट पूजा कर ली है, हमारा मतलब पेट भर चुका है, हम बहुत भर भर के गोलगप्पे खा लिए। और यहाँ पर जो है कान्हा भी हमारा गोलगप्पे खा रहा है। ये देखो उसका मुंह इतना छोटा है कि वो गोलगप्पा उसके मुंह पे पूरा जा ही नहीं रहा है। और उसकी मम्मी ने उसको इसमें पानी नहीं दे रखा है, जो पुदीने का पानी होता है वो नहीं दे रखा है, बस मीठा पानी दे रहे हैं उसको। और अब हमारा गोलगप्पे खा के मन नहीं भरा, तो अभी हम आ गए अपने दानू भैया की शॉप में, जो कि हमारे गांव के भैया हैं, और हम खा रहे हैं मोमोज। तो आप भी आ जाइए मोमोज खाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट दिखाइए यार। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक रखिए फ्रेंड्स अपना ध्यान। बाय बाय फ्रेंड्स, जय देव भूमि उत्तराखंड।